एग्जाम में आपका स्वागत है गाइस। एसजीपीजीआई में निकली हम बंपर भर्तियां, इंजीनियरिंग से लेके रिसेप्शनिस्ट तक सर हर कैटेगरी और लेवल की पोस्ट है। लेवल 4 से लेके लेवल 7 तक जा रही है ना। इसमें है कि आपके जूनियर इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, टेक्नोलॉजी एमएलटी, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डायलिसिस ओटी असिस्टेंट, सेंटर इंस्पेक्टर, सीएसएसटी कैंटीन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन सभी की वैकेंसी है। सभी पैरामेडिकल की वैकेंसी है और इंजीनियरिंग की वैकेंसी है ना। और जो भी नॉन टैक वाले भी हैं उनके लिए भी इसमें वैकेंसी है। तो चलिए देखने शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे मैंने सारी पोस्ट है तो आपको बताई दी कौन कौन पोस्ट की वैकेंसी है, और मैं वन टू वन जो टोटल पोस्ट के अकॉर्डिंग और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं अब बात करूंगा आपसे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर की, मतलब एक पोस्ट नहीं है, ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है। अपडेट आ चुकी है, जैसे ही आपको है ना वो मैं आपको बता दूंगा। वो बात की बात है, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब इसमें एलिजिबिलिटी की, चलो फीस आ गई तो फीस की बात कर लेते हैं। कुल आपकी पर पोस्ट की, अगर यूआर में पोस्ट है तो 1180 रुपये लगेंगे, और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस है तो भी आपके 1180 लगेंगे। केवल एससी एसटी वालों के लिए 708 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें जो भी आपका रिजर्वेशन जो पॉलिसी होगी वो यूपी गवर्नमेंट की होगी। मतलब आप चाहे ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे एससी से या एसटी हो, आपका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगेगा वो स्टेट वाला लगेगा, जिसमें लिखेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उसमें फाइनेंशियल ईयर जो स्पेशली ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले सुन लें, क्योंकि ये एप्लीकेशन 2024 में आया हुआ है आफ्टर 1 अप्रैल, ठीक है। तो इसमें जो फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 माना जाएगा, तो आपका जो भी सर्टिफिकेट लगेगा जो 1 अप्रैल के बाद वाला इशू वाला होगा वो लगेगा, है ना। तो ये ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए कान खोल के सुन रहे। दूसरा जो भी रिजर्वेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है वो चीज जो होता है एज इट इज वही है। इसमें मैं कुछ इसमें तो कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ आपको, देखो मैं वन टू वन एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की जैसे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड इंजीनियरिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस द कंसर्न फील्ड, जो कि हर जगह होती है। जो आप जैसे कि अगर आप देखेंगे यूपी में जो वैकेंसी निकल रही है जो उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, तो उसमें कोर्ट केस के थ्रू ये चीज संशोधन कर दिया गया है कि डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री वाले भी कंसिडर किए जाएंगे। और वैसे इसमें तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए कि इफ वी गेट द हायर एजुकेटेड पीपल एट दिस पोस्ट दैट इज टू बी गुड फॉर दैट, ठीक है। हमारे काम करने की एफिशिएंसी में बहुत बदलाव आएगा। अगर हम जैसे कि डिप्लोमा, ये नहीं कहता कि डिप्लोमा वालों को नहीं लिया जाए, पर जब डिग्री वाला भी मिल रहा है ना, तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वो कंसिडरेबल ही रही है। ये मुझे यही बात समझ में आती है ना। चलो कोर्ट केस ने स्टूडेंट की फेवर में ये चेक कीजिए। तो नेक्स्ट पोस्ट पर आते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट विद द नॉलेज फॉर द नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। मेरे ख्याल से केवल आपकी ग्रेजुएट चाहिए, और फिर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स मिनट होना चाहिए, और इंग्लिश में और हिंदी में 25 वर्ड्स मिनट। इसमें इन्होंने कहा कि आपके जैसे कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस टेकिंग कंपनी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या आउटसोर्स पे आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो। आफ्टर द अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट बी कंपलसरी विल रिक्वायर टू बायलिंगुअल टाइपिंग एंड जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जरूरत पड़ सकती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आपका जो टाइम पीरियड है वो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, और आपकी स्किल बेसिस पे ये चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है आपके चाहिए। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर। इसमें केवल ग्रेजुएट चाहिए आपका, क्या होगा, केवल ग्रेजुएट चाहिए आपको, और स्टेनोग्राफर विद स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड चाहिए 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। सीधी सी बात, जिसको इतना कुछ आता होगा तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो होती होगी। मतलब जैसे कि आपको एमएस एक्सेल और उसका वर्ड का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, कि काम तो उसी पर होगा ना। आफ्टर द अपॉइंटमेंट वी कंपलसरी टू रिक्वायर टू लर्न बायलिंगुअल, ठीक है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश 25 एंड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी एंड इंग्लिश में रेस्पेक्टिवली। देयर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये आपका काम होगा। और प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होगा एज द सीनियर असिस्टेंट वाला, ठीक है। एंड कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट टेस्ट, ठीक है, आपका एस्टेब्लिशमेंट टेस्ट होगा एंड द वुड बी टेस्टेड। सीधी सी बात है, देखो आपकी टाइपिंग स्किल दिखी जाएगी, उसके थ्रू अगर आपका होगा तो होगा, नहीं तो होगा तो नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। इफ द कैंडिडेट फेल टू क्लियर द टेस्ट ऑफ द ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड हिज सर्विसेज एंड टर्मिनेटेड। सीधी सी बात है, ये एक जगह नहीं है, ये अभी इन्होंने लिख दिया है, पर ये एक चीज फिक्स है कि अगर 2 साल के अंदर के प्रोबेशन पीरियड में अगर आप किसी तरीके की नॉन एक्टिव पाए जाते हो या फिर काम करने की एफिशिएंसी में कुछ गड़बड़ है तो फिर आप डिसओन कर दिए जाते हो। नेक्स्ट रिसेप्शनिस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, डिग्री एंड डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए जर्नलिस्ट में, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रिसेप्शनिस्ट के लिए एक्सपीरियंस होता तो ठीक है यार, मेरे ख्याल से तो रिसेप्शनिस्ट के लिए तो डिग्री भी ओके है, ठीक है। डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड टू द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जनरल एंड पब्लिक रिलेशंस एंड डिजायरेबल में एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशन वाला एंड एक्सपोजर टू द वर्किंग इन पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। भाई एसजीपीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर बनने का बहुत सुनहरा मौका, ठीक है। बीएससी नर्सिंग चाहिए विद ऑनर्स, ठीक है, फॉर्म इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर बीएससी विद पोस्ट सर्टिफिकेट एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है, रजिस्टर्ड विद नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, काउंसिल से। अगर आपने जीएनएम का रखा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड्स के हॉस्पिटल में, ठीक है। रजिस्टर्ड तो काउंसिल में चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बहुत से लोग वीडियो में बाद में पूछते हैं कि अभी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आया तो रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं। इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है देन यू टू बी वैलिड,
ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। द एसेंशियल क्वालिफिकेशन परफ्यूनिस्ट के लिए क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी डिग्री चाहिए इन मेडिकल परफ्यूनिशन में, ठीक है, रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बीएससी डिग्री हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द सर्टिफिकेट परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अवार्डेड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन अथॉरिटी सच एज द थोरेसिक एंड द कार्डियोवास्कुलर सर्जन ऑफ द इंडिया आफ्टर द आफ्टर वन मिनिमम वन ईयर ट्रेनिंग इन द सेंटर सीबीटीएस। एक चीज मैं बता दूँ, ये जो मिनिमम वन ईयर ट्रेनिंग सेंटर, इसमें आपका ये वो नीचे वाली एलिजिबिलिटी होती है, ऊपर वाले में अपने अगर बीएससी से कर सकता है मेडिकल परफेक्शन तो कुछ भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में 10+2 चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड वो डिप्लोमा चाहिए 2 साल का इन रेडियोलॉजी में, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस काम में। दूसरा, अगर आपने बीएससी विद ऑनर्स कर रखा हो 3 ईयर में रेडियोलॉजी में, तो एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमएलटी के लिए, एमएलटी के लिए क्या चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। भाई थोड़ा पेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हम लोग इसी तरीके से काम बात करेंगे, है ना, विभाजन हो गया। बैचलर डिग्री इन एमएलटी चाहिए, ठीक है, और एमएलटी चाहिए इन द साइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड 2 ईयर विद, एक सेकेंड, बैचलर डिग्री इन एमएलटी, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द लैबोरेटरी एंड अटैच्ड विद द मिनिमम 100 मिनट। अब मैं गलत हूँ या सही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे ये लिखा है बैचलर डिग्री के साथ साथ, है ना, और मेडिकल लैब टेक्नीशियन या फिर मेडिकल एमएलटी या फिर यहाँ पे डिप्लोमा होगा तभी इसका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे ऑब्लिक लगा हुआ है बैचलर डिग्री इन लैब टेक्नीशियन, ठीक है, तो फिर या फिर एमएलटी मेडिकल लैब साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो लिखा है फिलहाल ये हुआ है कि बैचलर डिग्री के साथ साथ भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 100 बेड के मिनिमम हॉस्पिटल में, ठीक है, बट इन द कंसर्न यहाँ पे डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए, ऑब्लिक में डिप्लोमा इन डिप्लोमा लिखा होना चाहिए, दैट्स इट मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये हो सकता है बाद में अपडेट हो जाए, मेल के थ्रू भी आप ये चीज़ को रीवेरीफाई भी कर सकते हो। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, ठीक है, 10+2 साइंस सब्जेक्ट्स की रिकॉग्निशन चाहिए, डिप्लोमा चाहिए रेडियोथेरेपी और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। ऐसा क्या देख सकते हैं, एक जगह नहीं है, सभी जगह ऐसा ही रहता है। तो बी अगर ग्रेजुएशन कर रखी है एमएलटी में तो उसमें एक्सपीरियंस का नहीं रहता है, बट इसमें है तो देख सकते हैं। और हाँ, एक जो सब्सक्राइबर थे जिनका सफदरगंज हॉस्पिटल में एमएलटी का ही था तो वो बैचलर थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे कि मेरे में रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा गया, तो जैसे कि यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो दैट इज टू बी गुड। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा है, लेकिन लेकिन मतलब रेडियोथेरेपी वाले में, बट यहाँ पे ये चीज़ लिखा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस क्योंकि डिप्लोमा में है, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री बोली नहीं गई है, नहीं डिग्री बोली गई है, डिग्री में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, डिग्री में भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा। नर्सिंग में देखो लिखा हुआ था तो नर्सिंग में मैंने आपको बता दिया। टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरोटोलॉजी, ठीक है, तो इसमें क्या बीएससी कर रखी है विद स्पीच हियरिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर डिजायरेबल में बीएससी चाहिए विद ऑनर्स स्पीच हियरिंग एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल। ये डिजायरेबल है बट एसेंशियल में ये चल सकती है अगर आपके पास, दैट्स इट। नेक्स्ट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, भाई जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट इसमें आपने इंटर कर रखी हो साइंस से और मास्टर डिग्री चाहिए इन फिजियोथेरेपी में, एमपीटी, मतलब बीपीटी नहीं चलेगा, ये तो गलत बात है यार। अभी जैसे इंस में निकली तो उसमें बीपीटी मान लिया था, ठीक है, तो इसमें भी बीपीटी होना चाहिए, उसमें भी जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट थी। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसमें क्या है, इसमें इंटर चाहिए साइंस में इंटर चाहिए, सॉरी इंटर में साइंस चाहिए और मास्टर डिग्री चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी एमओटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की, ठीक है, तो इसमें जो आपकी जो है बीएससी नर्सिंग चाहिए, बीएससी विद लाइफ साइंस चाहिए एंड अदर साइंस प्लस विद 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन आइसोटोपिक्स टेक्निक्स, ठीक है, डीएमआईटी से एंड इक्विवेलेंट अप्रूव्ड बाय एईआरबी और प्लस डिजायरेबल में ये, मतलब ये हो तो बहुत अच्छा है, वरना मतलब ये आपको फिल्टर आउट करने में उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। 1 ईयर का पोस्ट डिप्लोमा चाहिए डीएमआईटी के रजिस्टर्ड में, ठीक है, मतलब अगर आपने पोस्ट मतलब डीएमआईटी के बीएससी के बाद अगर आपने कर रखा हो दैट इज टू बी गुड। नेक्स्ट, द टेक्नीशियन डायलिसिस में चाहिए, जो चाहिए बीएससी विद बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और बीएससी विद डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द वर्किंग ऑफ द डायलिसिस टेक्नीशियन इन द हॉस्पिटल ऑफ द 20 डायलिसिस यूनिट्स, ठीक है, मिनिमम 20 डायलिसिस यूनिट्स जहाँ पे हो वहाँ पे आपने 2 साल का एक्सपीरियंस कर रखा हो, है ना, दैट्स इट। और क्या लिखा हुआ है, इफ द कैंडिडेट हैज टू बी क्वालिफिकेशन आर नॉट टू बी फाउंड द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड द बीएससी इन द लाइफ साइंस प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग एज अ डायलिसिस एंड टेक्नीशियन 20 डायलिसिस में। कहने का मतलब है अगर वो मीटअप नहीं होते शैल बी कंसीडर्ड, तो उसको कंसीडर किया जा सकता है, और मेरे ख्याल से यही चीज होगी जैसे 20 की जगह अगर 10 डायलिसिस यूनिट में भी अगर आपने वहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है दैट्स टू बी कंसीडर्ड। सॉरी, इन्होंने कहा है अगर बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी में अगर नहीं रखा हुआ उसकी जगह बीएससी इन लाइफ साइंस का रखा हुआ और 2 साल का एक्सपीरियंस होगा डायलिसिस टेक्नीशियन में तो भी कंसीडर कर लेगा, सॉरी माय मिस्टेक। नेक्स्ट, द सेंट्री इंस्पेक्टर ग्रेड 1, इसमें क्या है मैट्रिकुलेशन चाहिए, ठीक है, मैट्रिकुलेशन में 10 चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए सेंट्री इंस्पेक्टर का और इस तरीके से सर्टिफिकेट कोर्स होता है 1 से 2 साल का और 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस बहुत मांगते हैं ये चीज़, 4 साल 5 साल आपको, मतलब ये समझ लो होपफुल ईयर यही कहते हैं आपके एक तरीके से मास्टर्स हो जाएगी बंदे भी 5-7 साल की एक्सपीरियंस चाहिए इन दिस लाइन एंड द प्रेफर्ड हॉस्पिटल इज टू बी रेप्यूटेड। अगर जैसे कि आउटसोर्स पर नहीं संविदा पर अगर आपने काम कर रखा है तो इट्स टू बी मस्ट टू बी कंसीडर। ये कुछ चीज़ें चाहिए फॉर्म भरने से पहले इसलिए विशेष ध्यान रखना, रिसेंट स्कैन कलर फोटोग्राफ जिसमें इसका साइज 80 KB से मैक्स होना नहीं चाहिए, मैक्स 80 KB है,
स्कैन सिग्नेचर चाहिए जो भी मैक्स 80 KB से मतलब कम के होने चाहिए, ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और एक चीज़ ध्यान रखना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अंटिल जब तक अभी प्रोसेस ना हो जाए कंप्लीट सिलेक्शन की तब तक उसको ऑन करना। स्कैन इमेज इमेज ऑफ द मार्कशीट 10th 12th एंड डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी हो सबकी स्कैन में चाहिए मार्कशीट्स की, ठीक है, एंड सर्टिफिकेट सब कुछ अपलोड होगा। स्कैन इमेज ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आप उसमें लगाए, सबकी स्कैन मतलब सारी फोटो अपलोड होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा सारे पहले सारे डॉक्यूमेंट पहले मैनेज करके रख लो, पर्टिकुलर फॉर्मेट में रख लो, दैट्स टू बी फिर आपको फॉर्म भरो, क्योंकि वरना फिर देखो अरे इसकी पीडीएफ अपलोड करनी है, अरे इसकी पीडीएफ अपलोड करनी, इमेज और पीडीएफ दोनों फॉर्म में रखना, क्योंकि मे भी ये हो सकता है आपकी जो मार्कशीट्स और जो डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में हो और इमेज वगैरह तो जो उसकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर वो तो जेपीजी में दिया ही गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की, है ना, इसमें एग्जाम सिटी भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि अपने नियरेस्ट जो भी अफेयर जो भी आपकी प्रेफरेंस सिटी हो वो चीज़ आपको बढ़ लेना। और तो आपके एप्लीकेशन प्रोसीजर में कुछ ये 5 स्टेप रहेंगे, पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, टेस्ट सिटी चॉइस एंड डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट, ठीक है, और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये मैंने जो आपको बताया ये सारे वो रहेंगे, ठीक है, तो ये सारे पहले रेडी अप कर लेना तब फिर फॉर्म भरना। आपकी फीस ऑनलाइन मोड है तो वो अवेलेबल है, आपके थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हैं, फिर जब आप फीस कर दोगे तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो मैं बात कर रहा था सिलेक्शन प्रोसीजर की, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन कॉमन रिक्रूटमेंट ओनली, ठीक है, द सीबीटी जो होगा वो ही होगा, जो भी होंगे मेजर सिटीज में होंगे, होपफुली लखनऊ तो होगा ही होगा उन सिटीज में, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, मे बी आगरा हुआ कि नहीं हुआ ये चीज़ नहीं कह सकता, पर लखनऊ कानपुर तो होंगे ही होंगे मेजर सिटीज में, वैसे आगरा कह सकते हैं। द मेंशन सिटीज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट मे ऑप्टेड दैट 3 सिटीज, चलो आपको 3 सिटीज चूज करने का मिलेगा तो मतलब मे बी आगरा होगा ही होगा। द प्रेफर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड द सेम कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, द एससीपीजीआई रिजर्व द राइट टू एलोकेट द एनी टेस्ट सिटी एंड चेंज द सिटी ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। देखो एक चीज मैं बताता हूं, द रिजर्व द राइट टू कैंसिल फॉर द एग्जामिनेशन सिटी एंड सेंटर एंड ऐड द सम अदर सिटीज एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। देखो तुमने अगर तीन में तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको और तीनों ऑप्शन आपने भर दिए तो ये जरूरी नहीं है तो आपको आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो इन्होंने कहा है, अगर चेंज करने का जो मौका है राइट है वो हम पे है, अगर हमें लगेगा इन तीनों जगह में जगह नहीं बची है या फिर इन तीनों जगह में से अगर हमें आपको आपको अगर आपके लिए जगह नहीं है या फिर सेंटर सही नहीं है जो भी चीज़ें यार हमें नहीं देना सीधी उधर मतलब, है ना, तो फिर आपको हम अपनी तरफ से जो से भी मर्जी आई वो दे देंगे। ये मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, खासकर एम्स वाले पेपर में तो बहुत बार, एम्स के पेपर में हुआ है, एसएससी के पेपर में होता है, मैं सेंटर कहीं और पढ़ता हूँ और सेंटर मेरा कहीं और पटक देते हैं आगे। हमें ऐसा क्यों होता है, कई लोग बोलते हैं कि वो रीज़न सेम पड़ता है तो इसलिए कर देते हैं, तो मुझे ये बताओ दिल्ली वाला मेरठ रीज़न पड़ता है क्या, मैंने कानपुर सेंटर डाला था और मेरा को सेंटर मिला मेरठ, ये कौन सा रीजन का एरिया माना जाता है, पूरे देश को पूरे मतलब स्टेट को ही मान लेते हैं। चलो जो भी है एक्साइटेड, हमें तो पेपर देने से मतलब है, अब जहाँ पड़ेगा वहाँ जाना ही पड़ेगा, तो दैट्स इट, आपको टोटल सीबीटी पे बेस करेगा, तो जो भी आपके सीबीटी में मार्क्स आएंगे, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए टेक्निकल स्किल मतलब जो भी टेस्ट टेक्निकल होगा जैसे कि टाइपिंग के लिए होगा तो वो टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसको किया जाएगा, और जो चीज़ नहीं होगी तो वो केवल मेरिट बेसिस पे जो भी आपके सीआरटी में मिलेगा उस पे बेसिस पे आपका कंडक्ट कर दिया जाएगा, है ना। कुछ पोस्ट ऐसी होती है जैसे स्किल टेस्ट है और टेक्निकल एग्जामिनेशन है, तो जो भी टेक्निकल पोस्ट होगी तो उसमें तो केवल आपका एक्सपीरियंस जो भी चीज़ एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया उसको कंसीडर कर लेगा, बाकी जो भी चीज़ होगा स्किल टेस्ट होगा जैसे टाइपिंग टेस्ट है उसके जैसे कि स्टेनोग्राफर की और सीनियर रेजिडेंट की सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर वाली है तो उसमें टाइपिंग मांगा हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है, शॉर्ट हैंड्स है किसी किसी में, तो वो सारी चीज़ें तो जब आप क्वालिफाई कर लोगे सीबीटी के बाद, ठीक है, ओनली दोस कैंडिडेट टू बी क्वालिफाई स्किल टेस्ट एंड टेक्निकल, तभी आपका मेरा टेस्ट बनेंगे, दैट्स इट। और वैसे भी इसमें केवल 2-3 पोस्टों को छोड़ दो बाकी सब सेम थी, और एक चीज बता दो स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो एक ही जगह हो जाएगा आपका और एक दिन में नहीं होंगे ये चीज़ है आपके लगभग रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के अलावा 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिल सकता है मैक्स मिनिमम, ठीक है, मैक्स का तो आप कुछ नहीं कह सकते, मैक्स का महीने भर 2 महीने 6 महीने फिर भी हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे ही बोलते हैं एसजीपीजीआई का जो मतलब कुछ पैरामेडिकल की भर्ती थी जिनका एग्जामिनेशन दिसंबर में हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट तो घर पहले पहुंचने से पहले ही आ गया था, मैं घर बाद में पहुंचा हूँ, मतलब 4 किलोमीटर मतलब 4 घंटे का रास्ता था मेरे घर से, और जब तक मैं घर नहीं पहुंचा उससे पहले मेरे घर पे रिजल्ट आ चुका है कि भाई आप कितने नंबर आए हैं, मैंने कहा कम से कम घर तक पहुंचाने तो कम से कम जो पेपर सबमिट हुआ है सॉफ्टवेयर्स में वो वहां से लेके और जो ऑफिशियल सेंटर्स होते हैं वहां तक तो पहुंचाने, तो रिजल्ट आ गया तो क्या कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कुछ प्रूफ ही नहीं है अपने पास, ठीक है। द स्किल टेस्ट विल बी कैरीड आउट बाय द एग्जामिनेशन सेक्शन द एसजीपीजीआई लखनऊ, होपफुली जो आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका लखनऊ में ही होगा, ठीक है, दैट्स इट। एक चीज मैं आपको और बता दी, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग और कोई अपडेट तो नहीं है, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइज अगर एक से अधिक शिफ्ट में आपका पेपर होगा तो ऑब्वियसली है नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, तो ये कुछ फॉर्मूला होता है
नॉर्मलाइजेशन का, तो वो बात की बात देखते हैं जैसा रिजल्ट आता है कैसा आपका शेड्यूल रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आपको एप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, इसकी डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, और हाँ ज़्यादा वेट मत करना, 10 दिन रह गए मात्र, 10 से 11 दिन, हाँ 14 तारीख है, हाँ 10 से 11 ही दिन ही रह गए। तो लास्ट डे थोड़ी सी लैग करती है क्योंकि मल्टीपल स्टेप से पीडीएफ अपलोड करनी पड़ती है, तो प्रेफर करना पहले 10 सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लेना, तब फिर फॉर्म बनना स्टार्ट करना। और इवनिंग अगर आप अगर साइट लोड ज़्यादा ले रही है तो रात के 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में भरना, बड़े आराम से काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।